इधर देखें जी, माशाल्लाह से यहाँ पर जो है खोया हमारा रेडी है और सब जो है इधर बैठ। तो किसने बोला है आप क्यों मरना चाहती हो, क्या ये मुझे बताओ? आपको शौक है मरने का तो बताओ, मैं गला दबा देता हूँ बस। चाहे मदीना अके वाली सारे नबी और कैसी तेरा है, तू किधर निकल गया मैं मैं कम कदर निकल गया हूँ, आज मैं लेट थी वही यहाँ। इकराम देखो खुले माते और कुटवाई बेचारे हूँ गालियां भी निकाल दिया करो के, ओए लौंडे इधर आ, ये चीज चाहिए मुझे। यार पिछली वीडियो पे बहुत सारों ने कमेंट्स की हुई थी बहन भाइयों ने कि ये कौन सा रिश्ता था आप लोगों का, जो मैं बोलता हूँ मामा फौत हो गया है, वो बोलती है सलमा बोलती है चाचा फौत। हमारा जो खोया है ना आखिरी मरहाइल पे पहुंच चुका है, ये देखें। हाँ जी देखिए जी, अब जवेरिया जो है माशाल्लाह रोटी पका रही है मेरी प्यारी बेटिया। वो तो अच्छी जो होती है ना उनसे उजाला होता है, मैं कौन सी अच्छी हूँ जो उजाला हो जाएगा। क्यों आपको पेट निकली हुई है? या तो फिर वो कहते हैं कि रेंट वाले की कॉल थी कि मुल्तान ये सवारी छोड़ के आनी है, तो उसको जवाब दे दो भाई, सर्दी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, हमारा शाम वाला भी लोग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुबतला हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। तो जी हमारा शाम का क्या, आप तो रात का ही व्लॉग है, रात का व्लॉग हो गया स्टार्ट। और मुझे आज जो है मैं बहुत लेट हो चुका हूँ काम की वजह से, आज ना ज़्यादा लेट हो गई है मुझसे। तो देखें अंधेरा छा गया है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, रात को लेट हो गया हूँ। और दूसरी बात कि लेट था तो घर वालों ने कॉल की कि घर जो है जब आओ तो दूध लेते आना, जो बच्चों का दूध नहीं है। तो अभी ये देखें, मैंने वीडियो स्टार्ट करने की वजह से ना इधर इसको लटका दिया, मैंने कहा वीडियो स्टार्ट कर लूँ उसके बाद जो है ना फिर ये दूध निकालूँगा। ओ फंस गया, हाँ ये देखें दो दो दूध लेकर आया हूँ, एक अलग एक अलग, उसकी वजह भी है रीज़न भी है जो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि क्यों, मैं बताता हूँ क्यों लेकर आया दो दूध। तो लो जी फिर से कॉल आ गई, अल्लाह सैया अभी अभी ऐसा कोई ना हो, क्योंकि मुझे डर ज़्यादा होता है कि कोई गाड़ी वाले करंट वाले का ना कॉल हो, उसकी कॉल जब आ जाए तो फिर यही होता है कि मुझे ना दोबारा जाना पड़ता है। तो मैंने अभी तो व्लॉग स्टार्ट किया है, और अगर कोई ऐसा आ गया और चुप हो जा मामे तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, तो वीडियो मेरी नहीं बनेगी। इसलिए जो है देखता हूँ कौन है, और अभी जो है इधर देखें, ओए तू तो चुप कर, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, मेरे ख्याल इधर ही है, जूते ये पड़े हैं इधर ही हैं, मैं जूता उतार लूँ अंदर देखता हूँ, इनको पहले दूध दे दूँ फिर अम्मी अबू से, आज सॉरी अम्मी अबू के पास दोबारा मतलब लेट जा रहा हूँ। और इधर जो है उतेरी ओए, इधर इन्होंने तो दुपट्टे ही नहीं पहने हुए, माँ बेटी ने एक दूसरे के पता नहीं क्या वाल पट रही हैं। ये लो ये दूध आ गया, वो सीधा पकड़ो गिर जाएगा, देखो ऐसे पकड़ते हैं। फिर आया इधर आ जवेरिया, जवेरिया को दो, जवेरिया को दो, आपसे गिर जाएगा मेरे प्यारे बेटे, इसको दो। हाँ इसको ये इसको ना जवेरिया लेकर जा रही है। हाँ हाँ जुराबा भी ले आऊँ। चलो जी कॉल आई है, कॉल सुन लूँ फिर मिलते हैं आप लोगों से। जी दूध वगैरह दे दिया है जवेरिया को, और कॉल जो आई थी वो भी सुन ली है, रेंट वाले की थी, मेरी जो सोच थी वही आ गई कि रेंट वाले की कि यार सवारी छोड़नी है रात 1 बजे, इधर से लेके जानी है और मुल्तान छोड़नी है, तो वो फिर जाना पड़ेगा मुझे मुल्तान। तो अभी जो है व्लॉग शुक्र है टाइम लग जाएगा, वीडियो बनाते हैं फिर मिलते हैं, आपने भी साथ रहना है। और भाई जान आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लगता है आपको भी सर्दी लगी हुई है। हाँ कल से मुझे सर्दी ज़्यादा लग रही है, जब से आए हैं ना वापस। हाँ रात पूरी भी सर्दी थी सुबह। हाँ यही मैं वीडियो में सुन रहा था, भाभी बोल रही थी कि आज वो सोया पड़ा है और थका हुआ है, मैंने कहा गाड़ी मैंने ड्राइव की थक हो गया, ये क्या वजह? गाड़ी में सर्दी नहीं लगी, गाड़ी में जितनी देर आए गए वैसे ही उधर फिर इधर उधर पता नहीं क्या अचानक जो है ना कल से सर्दी ज़्यादा लग रही है। मौसम वैसे भी सर्दी बहुत है ना, आज सर्दी सुबह की बहुत ज़्यादा सर्दी है, कल तो फिर भी कुछ फर्क था लेकिन आज बहुत सर्दी है। से निकलना देखा नहीं सकता। हवा चल रही, ओए हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से सूरज भी नहीं निकला इतना,
तो सर्दी बहुत बनी हाँ। क्या हाँ, मुल्तान का कह रहे थे अभी? हाँ मुल्तान के, हाँ अभी वापस आया हूँ तो फिर वो कहते हैं कि रेंट वाले की कॉल थी कि मुल्तान ये सवारी छोड़ के आनी है, तो उसको जवाब दे दो भाई सर्दी बहुत है, धुंध में ड्राइविंग रात का आपको पता तो है। हाँ ये तो है, देखते हैं। वो फिर उसको कहो नहीं भाई सर्दी है, कल मैं गया था रात को लेट आया हूँ। हाँ धुंध इतनी थी, मज़े की बात जब हम ना आ रहे थे, अभी जो मैंने वीडियो शेयर की थी ना उस वीडियो में भी कम था क्योंकि उस वक्त मुझे थोड़ा सा मौका मिला के वीडियो में दिखा दूँ, लेकिन बीच में ऐसा रास्ता था कि भाई को मैंने बोला आप ना खिड़की की तरफ ऐसे सर करके ना ऐसे निकाल के सिर्फ नीचे रोड को देखो कि रोड पर जा रहे हैं या किसी और जगह पर जा रहे हैं। तो एक दो मरतबा तो ऐसा हुआ कि हम रोड से नीचे नहर है साथ उस नहर में जा रहे थे, दूसरी मरतबा रोड से नीचे खाई में जा रहे थे, इतनी धुंध थी नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था, सामने देख रहे थे सामने रोड पर थी ही नहीं ना, फिर साइडों पे बैठ के नीचे देख रहे थे कि ज़मीन है, रोड पे जा रहे हैं साइड पे जा रहे हैं। तो भाई कोई लगता है इसी वजह से सर्दी लग गई कि दूसरा ड्राइवर आप भाई था, एक तरफ मैं चला रहा था दूसरी तरफ भाई बता रहा था कि आप सीधा जाने दो। वही बहुत धुंध है आजकल ड्राइविंग का जो है ना हालात नहीं है, ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ धुंध तो बहुत है ना, अभी आज खैर इतनी नहीं धुंध नहीं है आज। हाँ देखो ना वो चांद नज़र आ रहा है, यानी इतना धुंध, मैं अभी आया हूँ ना बाहर से, धुंध आज नहीं है, सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा सर्दी हवा चल रही है, धुंध भी पड़ना शुरू हो जाएगी ना। हाँ कल भी इस टाइम हम उधर से तकरीबन रवाना अलीपुर में थे, इस टाइम तक अलीपुर हाँ सिटी में ही थे, जब उससे आगे आए जैसे हेड पाइन क्रॉस किया तो फिर धुंध भी बढ़ती गई। हाँ ऐसे ही हेड पाइन से मतलब जैसे ही हमने दरिया की पुल क्रॉस की उसके बाद वही धुंध शुरू हो गई, इतनी धुंध के जो सफ़र हमारा घंटे डेढ़ का था वो हमारा तीन घंटे चार घंटे लग गए हमें आते आते, बहुत बहुत ही मुश्किल से वो आए। तो अभी आप नीचे, अब अम्मी अबू से हलवा लेने आए थे या वैसे? मैं आया था आपको, मैं समझा खाना खा लिया है तो दवाई वगैरह दे आऊं। अच्छा लेकिन अभी तक तो गैस भी नहीं आया। हाँ अभी गैस का खाना बनेगा फिर, अभी लेट है। सही से ये गैस का बहुत मसला है। अब वो सो रहा है, नींद है या जाग रहा है? नींद है बिल्कुल। ओहो मैं तो अभी जाने वाला था, वीडियो बनाने वाला था, मैंने देखा अभी तो सो रहे थे फिर। सही सही चलो वो तो मैं फिर ऐसे है ना, आप खुद रेस्ट कर लो, सर्दी लगी हुई है, चलो जैसे ही खाना देते हैं मैं अबू को दे देता हूँ फिर दवाई। हाँ ऐसे कर लो आप, फिर सुकून करो, बाकी मैं जो है खुद दे देता हूँ फिर उनको। और दूसरा गैस का भी टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है तो मोबाइल उल्टा है। लो जी मेरा टाइम ही गलत चल रहा है, ये देखें बज गए हैं, इधर तो टाइम है 3:25 मेरे पास घड़ी गलत हो गई है, चल रही है लेकिन गलत है टाइम, 7:00 पूरे सात बस आ गया होगा गैस अब। गैस हाँ 6:00 आता था लेकिन जब से सर्दी शुरू हुई है तकरीबन 7:00 आता है, मैं चेक करता हूँ अभी। नहीं इधर तो सिस्टम ही, यहाँ देखें ये रखा हुआ है, सलमा को बोलता हूँ वो चेक करती है फिर। गैस वाले ओ गैस वाले ओ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप आ गई अपनी हालत में, नहीं तो पहले जो आपने ना ऐसे माहौल बनाया हुआ था, मैंने कहा अभी वीडियो बनाई ना तो बच्चों बुजुर्ग बड़े सब डर जाएंगे कि ये कैसी हो गई है, डरावनी बनी हुई थी। क्यों बुरे लग रही थी? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी माशाल्लाह ठीक है और हमारे घर में भी सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, सब बहन भाइयों की दुआ है। और अभी जो है ना हमारा व्लॉग जो है शुरू हो चुका है, जैसे कि आपने देखा अभी आए हैं अल्ताफ से, लेट हो गया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉल की थी, मैं पूछा था कि आप चौकी देर है आने में, चौकी देर नहीं होती, कितनी देर रही हो? पता नहीं आजकल ना मैं अपनी सराय की ना मेरे को ना वो ज्यादा आ रही है, मतलब सर्दी लगी हुई है ना इसलिए फिर सराय की आती है, बहुत ज्यादा सर्दी है, कपड़े आज धोए हैं मैंने। तो किसने बोला है आप क्यों मरना चाहती हो क्या, ये मुझे बताओ, आपको शौक है मरने का तो बताओ, मैं गला दबा देता हूँ आपका एकदम, फिर पता ही चलेगा कि हाँ मैंने खुद मारा है। ऐसे सर्दी में मर जाओगी, कितनी सर्दी है
वो ना दे कपड़े सूखते नहीं है ना, एक धुलाई करती हूँ मतलब साथ साथ सब धुलाई करती रहती हूँ हर रोज, तो ऐसा ऐसा जैसे ही सूखते हैं फिर बच्चों को पहनाती हूँ, बच्चे हैं ना। कोई नहीं बच्चों को, अब ऐसे भी देखो इधर देखो, परी अलिशबा इधर देख, अलिशबा ये देख इसको देख तो सही, ये बड़ी शहजादी बड़ी फिरती है। हाँ, इनके अभी अभी चेंज किए थे मैंने कपड़े, बस ये ना कि बहुत सारे दिन हो गए सर्दी की वजह से ना इन्होंने नहाया नहीं, तो इसलिए इनके बाल जो है ना वो थोड़े खराब लग रहे हैं। बाकी तो कपड़े तो मैं हर रोज चेंज करती हूँ इनके। हाँ यही है। और हाँ, मेरी बेटी, मेरी जवेरिया बेटी, फिर से काल आ गई आपकी, आज विलाग नहीं बनता आपका। विलाग वो काल आई है, कहता है कि 1 बजे जाना है मुल्तान सवारी छोड़ने। नहीं नहीं ये क्या रुकावट कर रहे हो, खर्चा ऐसे थोड़ी चलता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा फिर मैं ना ये कॉल सुन लूं है उसकी, या ये कोई और नंबर, नया नंबर है, सेव भी नहीं है, पता नहीं कौन है, नया नंबर है, इसको बाद में सुनता हूँ, ये ना हो कि कोई रोले वाला हो, करने वाला ना हो कोई। नहीं जो काम करना होता है आप दिन को कर लिया करें ना। आप जो मेरी बात सुनो, जो है ना रेंट का काम, जो गाड़ियों का काम होता है वो सवारी है, मौत का सवारी का कोई पता नहीं चलता कब आ जाए, तो यही है, वो किसी टाइम भी आ सकते हैं। तो फिर कॉल सुन लो ना, कॉल सुन लो। चलो चलो जी मैं कॉल सुन लूँ, ये तो नहीं तो फिर ये मुझे बोलती रहेगी और ये भी बजता रहेगा, सुन लूँ कॉल फिर मिलता हूँ। मेरी सोनी सोनी, मेरी सोनी, मेरी जवेरिया सोनी, वे आप क्यों हंसती हो? हाँ पर आज टप्पे दिखाओ अपने, आओ आज टप्पे दिखाओ। आपकी आपी वो फुफो जो थी ना शगुफ्ता, वो कहती थी कि परी को बोलो टप्पे मारे, हाँ उड़ो उड़ो। टप्पे मार रही हो, फिर इधर आओ, बात सुनो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और टप्पे मार रही हूँ। बोलो टप्पे मार रही हूँ, टप्पे मार रही हो। अच्छा आपका नाम क्या है? पली। पली। अच्छा आपका नाम क्या है? परी। आपका नाम क्या है? शहजादी। शहजादी। और ये है परी और ये है शहजादी, और नात कौन सुनाएगा? नात कौन सुना? ये क्या कर रही हो, रोटी को टुकड़े करके ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे नहीं खाते, बैठ कर खाते हैं, देखो आप किस तरह खाती हो गंदे बच्चे। हाँ छाबी में बैठ के खाना चाहिए, फिर क्या होता है, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए परी? बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इधर रखो और रख कर बैठ कर खाओ। हाँ ऐसे ये हुई ना बात, अच्छे बच्चे बैठ कर खाते हैं, बैठ जाओ परी, बैठ जाओ। हाँ और सालन नहीं है क्या? क्या बोला? हाँ बैठ कर खाओ, बैठ कर खा नखरेबाज। मेरी परियां हैं, तीन तीन मेरी परियां हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में तीन तीन परियां हैं, अल्लाह सब परियों के नसीब अच्छे करे, आमीन बोलना है आपने। अल्लाह माफी, फिर से काल आ गई, अब बंदा जाए तो जाए कहाँ, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, काल सुन लूँ फिर मिलता हूँ। एक तो कालें काल 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 काल, और दूसरी बात लाइट चली गई, अब बंदा क्या करे, अंधेरे में क्या करे, ये देखो अब लाइट जला के बैठी हुई है इधर, और ये फिर आ गई, आप गई और लाइट चली गई, मैं किचन में गई, मैंने सोचा जैसा ही सोचा कि कुछ बनाता हूँ बनाती हूँ, वो फिर लाइट भाग गई, ऐसे अंधेरा हो गया, फिर मैं आ गई। अंधेरों से डरने वाले कभी कामयाब नहीं होते। नहीं मैं अंधेरे से नहीं डरती। हाँ मैं उजाले से डरती हूँ। उजाले से डरती हो? ओए होए ये अजीब दिमाग है, उजाले से डरती है, अंधेरे में नहीं डरती, वाह वाह क्या बात है। चलो जी कोई बात नहीं, अंधेरे हो या उजाले हो, अंधेरे में रोशनी बेगम होती है, पता है, जब घर में अंधेरा हो ना तो बेगम जिसकी अच्छी हो वो समझो के रोशनी होती है। अच्छा तो फिर आपके घर में क्यों नहीं हो ये रोशनी? अंधेरा है ना, आप चमको बाल बनो बल्लभ की तरह। हाँ वो तो अच्छी जो होती है ना उनसे उजाला होता है, मैं कौन सी अच्छी हूँ जो उजाला हो जाएगा? क्यों आपको पेट निकली हुई है? फोड़े या आपको कोई वायरस लगी हुई है? फोड़े निकले हुए हैं। ओ जेरी क्या हो गया? जेरी इन लोगों ने बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी।
अम्मी आप ही बोला करो, आप ही ये आप, हाँ आप ही बोला करो अच्छे बच्चे। मैं लोटी खा रही हूँ, चलाओ। हाँ चलाओ, मैं लोटी खा रही हूँ। वो कहती है, वो छोटी ने बंद कर दी लाइट, इसलिए उसको बुला रही थी कि लाइट जलाओ, मैं रोटी खा रही हूँ। एक लड़ती है लाइट बंद करो, दूसरी करती है लाइट चलाओ, और ये बेचारी कुर्बानियां देती रहती है। चलो जी, बाकी अंधेरे के काम में जो है वो रोने लग गई है। अभी मैं जाता हूँ अभी अब्बू अम्मी के पास, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, अब लाइट चली गई है तो अब वो जाग गए होंगे। ओए ओए अल्लाह, यहाँ तो अंधेरा गुप हो गया है, नज़र भी कुछ नहीं आता। ये तो लाइट के ज़रिए फिर भी कुछ नज़र आ रहा है, नहीं तो कुछ नहीं नज़र आता, अंधेरा। मैं कब्र अंधेरी में, वे मैं सदके, वे मैं सदके। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, वालेकुम अल्लाह का करम है, शुक्रगुजार अल्लाह। देख लो आपके बेटे से आने से रोशनी आ गई। हां जी हां जी। और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हां जी हां जी। तबीयत का सुनाओ, मैंने कहा आज सारा दिन मैं इधर नहीं था, तो मेरे अब्बू जान की पता नहीं क्या अब सिचुएशन होगी, अब बताओ। ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ जी। देखो आपके बेटे के होते हुए टेंशन नहीं लेनी आपने। खर्चा खत्म नहीं गया। खर्चा खत्म हो गया तो मैं किस लिए हूँ? खर्चा मिलेगा आपको, बस टेंशन नहीं लेनी। जो चीज हुक्म करो, आपका ताबेदार बेटा खड़ा है, ठीक है? हाँ जी। खर्चा भी मिलेगा, रोशनी भी मिलेगी, रोशनी खाना मिलेगी। भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, सिर्फ मुझे दुआएं दो और हमेशा ऐसे ना मिठू की तरह ऐसे हंसते रहो। हाँ जी हाँ जी। हाँ ऐसे हंसते रहा करो बस, मेरे लिए आपकी मुस्कुराहट समझो के वो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप देखते हैं ना बच्चों को, अगर बच्चे खुश हों तो माँ बाप खुश होते हैं। अब मेरी सिचुएशन है, आप लोग खुश हो गए तो मैं सारा दुख तकलीफें भूल जाता हूँ। अल्लाह खैर। हाँ जब आप खुश होते हो ना, मुस्कुराते हो, आपके चेहरे का नूर जब देखता हूँ ना, मेरी तो ऐसे लॉटरी लग जाती है। लॉटरी। हाँ बस आप खुश रहा करो, और जो चीज हाँ चाहिए बस ऐसे बोल दिया करो, दो चार गालियां भी निकाल दिया करो कि ओए लौंडे इधर आ, ये चीज चाहिए। लौंडे सुन रहे हैं कि नहीं? नहीं, पहले जैसे मुझे बोलते थे, खोते दा सिर आईडिया वैसे छोटा। हाँ छोटा हम ना, अब वैसे फिर मुझे पांच बार पीऊ पानी। पांच बालों का बाप बन गया ना, पांच बच्चों का बाप हूँ, लेकिन फिर भी तो आपकी औलाद हूँ ना, आपका बेटा हूँ ना। चाहे जितना भी बड़ा हो जाऊँ, जितने भी बच्चे हो जाए, चाहे इधर लहन लग जाए ना बच्चों की, मैं फिर भी आपका बच्चा हूँ। आमीन। हाँ इलाही मलकाने को क्या था? पल्ला मलकाना मंडा। अच्छा ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰੂਹ ਤੇ ਦਾ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕੁੱਟਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਨਾ ਓਏ ਅੱਬਾ ਓਏ ਲੈ ਬਰਕਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥਾ ਲਾਤ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਲਾਤ ਟਾਂਗ ਨਹੀਂ ਥੀ ਉਸਕੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਬਲਾ ਖਲਾ ਤਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਲਾ ਵੇ ਆਡੂ ਤਾਰ ऐसा। फिर आपके पास अगर चलने की हस्ती नहीं है, कोई नहीं, आवाज लगा दिया करो, जूता उठा दिया करो, मैं इधर बैठ जाया करूंगा, दो चार लगा के फिर बोला हाँ चले जाओ आप ऐसे। अबू जान बता रहे हैं कि हमारे इलाके में दो बंदे थे, बाप बेटा, तो जो बाप था उसकी टांग नहीं थी इस जगह से, मतलब पूरी टांग नहीं थी, तो वो जब बच्चे को मारना होता, उसको गुस्सा निकालना होता, फिर उसको बुलाता ओए इधर आ इधर आ, वो जब आता तो फिर जूता उठा लेता, दो चार लगाता, फिर सुकून से सो जाता। अब वो ये बता रहे हैं सरेकी में। अबू जान आप उर्दू में बताया करो ना यार। उर्दू नहीं आती। क्यों नहीं आती? आती है बस, आप जान बुझ के नहीं। आप कहते हो कहीं मुझे कोई पसंद ना कर ले। हाँ जी हाँ जी। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वाले आपका? ठीक है। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। खुश हो? मौज लगी हुई है? ये सर्दी तो खा दी ना, नहीं निकल देना इसे। इसके लिए मैं मजबूर हूँ, चाहे जितना भी मैं बड़ा हो जाऊँ, धूप को नहीं निकाल सकता, वो तो अल्लाह की मर्जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें। और खाना वगैरह तो मेरे ख्याल अभी गैस नहीं आई, जैसे आती है फिर आप दोनों को खाना खिलाते हैं। और आतिफ इधर आया हुआ है, खैर तो है, इधर आए हो? मैंने ना सुना नहीं, इधर क्या करने आए थे? टीवी देख रहा था। अच्छा वैसे टीवी देख रहे थे, टीवी तो बंद पड़ा है, देखो पहले।
वो अमीना हंसी है, अमीना कहाँ से हंसी है? तू किधर निकल गया? मैं काम किधर निकल गया हूँ? आज मैं लेट थी यहाँ। वो इकराम तेरे को खले मारे और कुटवाए को। इकराम मुझे खले मारे कुटवाए क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? अच्छा होता है बोला इसके बोला वो कहता है फौत किधर गया ना तू भैया वो कहता है मेरे को क्यों निकाल छोड़ी? हाँ वो कहता है नवाज शरीफ कहता है मुझे क्यों निकाला ऐसे। और आप ठीक हो? आज मैं क्या खांसी मेरे को ठंड लगी ना। उई हुई आपको ठंड लग गई है? हाँ सर कल ठंड हो फिर ठंड हो तब जा ठंड हो तो सर्दी लग गया इसलिए आप इधर घुस गई हो अब। हाँ, सर्दी से बची हुई हो। फिर आज मुझे नाच सुना दो ना मेरी प्यारी बहना, नाच सुनाओ आप तो शाबाश मुझे नाच सुनाओ। इधर उठी कर मैं क्या? अब नाच सुनाओ, पहले मुझे नाच सुनाओ उसके बाद फिर जो है बातें बाद में होंगी। आज मैं आपकी नाच सुनने आया हूँ। मैं माखी मंगवाता हूँ, पहले आप नाच तो सुनाओ। आज पहले नाच नाच घरे मारने को आदि फांसी लगी थी। वो कैसे बोलता है? अरे अल्ताफ भाई घरे मारने की खाता है। वो नहीं अभी आवाज कैसे लगा रहा है वो देखो कैसे करता है। अरे अल्ताफ भाई इधर आवे तो मैं अंडा उबाल के खवा छोड़ा। अल्ताफ भाई इधर आवे अंडा उबाल के खिलाना, वो आवाज कैसे लगाता है? वो गोल गप्पे हटा दे। नहीं नहीं कैसे बोलता है? देखो कैसे बोलता है गोल गप्पे। नहीं नहीं अभी जैसे आतिफ ने किया ऐसे करो। दांत कर दी दे। बात को चेंज कर देती हो। चलो फिर नाच सुनाओ। चाहे मदीना अके वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली चाहे सुभान अल्लाह खांसी जानबूझ के देखो नाटक करती है, जानबूझ के खांसी को बुलाती है। नाच सुनाओ मुझे। हाँ जी आज दूसरी ये पूरी सुनाओ आज पूरी। चाचा लाल को नाच सुनाओ अभी। चाचा लाल तो फोत हो गया, अब नाच सुनाओ। नरके सवाली चाहे मदीना अके वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली चाहे मदीना चढ़िया छत तेरे है जलवे हजूर दे मेरी दुनिया जाई। सुनाओ 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 शाबाश। अरे अखी को बुला थी गया। अखी को छोड़ो अभी नाच सुनाओ। छड़िया दी छत है सुनाओ। छड़िया दी छत है छड़िया दी छत रे है जल वे हजूर दे मेरी दुनिया जल वे हजूर दे देख चलो बारक सिरादी पत्थरा ते डेरा आमना लाल देख जो लोग चढ़िया दे छत रे है जलवे हजूद तदिया ना बिस्तर किसी पथरा ते देरा आमना जलाल देख जो लोग हन मेरी दुनिया जल वे हजूर देख जो लोग हन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरी प्यारी प्यारी अमीना ने नाच सुना दी। आप तो बहुत अच्छी हो। ठीक हो जाओ ना। हाँ एक बीमार हो गई है। मजे की अमीना मजे की नाते ऐसे सुनाती है और फिर ड्रामे भी करती है और एक्टिंग भी करती है और मुझे झाड़ू से भी मारती है। झाड़ू से मारोगी? हाँ मेरी दुकान लगवा देना फिर नौकरी छोड़ दूंगा मैं। को
कपिता तो बैठे दुकान दुकान पे बेच रहे। हाँ वो दुकान किसी और की है ना। हाँ मेरे को अपनी दुकान लगवा दो फिर, ठीक है। हाँ जी। हाँ समझ गया। मैंने नई नात याद की है, मैंने वो सुनानी है। चलो सुनाओ। और बिलाई ने शैतान वाली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ए मौत ठहर जा, मैं मदीने जा लवा। ए मौत ठहर जा, मैं मदीने जा लवा। सुत्ता पिया हुआ नसीबत मैं अपना जगा लवा। ए मौत ठहर जा, मैं मदीने ते जा लवा। सुभान अल्लाह। वो ऐसे है, ए मौत ठहर जा, मैं मदीने ते जा लवां लवां। ए मौत ठहर जा, ते मैं मदीने जा लवां। सुत्ता होया नसीब ते मैं अपना जगा लवां लवां। ए मौत ठहर जा। ऐसे थी। हाँ गुड, ऐसे याद किया करो। और मेरे हाथों को चूम रही हो आप? नहीं। हाँ चूम रही हो, मेरे हाथों को चूम रही हो। इसके ना छोटे करवाओ। हाँ इसके नाखून देखो, बाकी छोटे हैं, सिर्फ इसके बड़े हैं। ये मैं मोबाइल के ऐसे जैसे खोलना होता है, ये उसी काम के लिए आते, लेकर इसको बाकी सब छोटे हैं। सब छोटे हैं। बोलो आई लव यू। आई लव यू टू। और परी साहिबा आ चुकी है अम्मी के पास और खाना खा रही है। परी मेरी, क्या खा रही हो? खाना नहीं खा रही? आलू बटालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में रो रहे थे। अम्मी जान इसको खाना खिला रही है। और अब जो है लाइट आ चुकी है, अब जल्दी जल्दी से ना खाना वगैरह पकाते हैं, अब्बू जान को अम्मी जान को खिलाते हैं। और फिर चाय वगैरह भी पियोगे? हाँ जी। आज कौन सी चाय पीनी है? कौन सी? चीनी वाली, शक्कर वाली? शक्कर वाली। ओ खैर, क्या बात है आपकी, आपको शक्कर वाली चाय पिलाते हैं आज। हाँ जी। चारे ले आए हो? सही है सही है। अच्छा वो इसकी पेन बन गई है? हाँ जी हाँ जी। गुड हो गया। चलो जी अभी चलते हैं खाना, और खाने के बाद एक्सेल जाग रहे। एक्सेल? हाँ बस एक्सेल बचा हुआ है, इसको चार्ज पे लगाते हैं। ये लो इधर रखो, इसको चार्ज करके फिर जो है अभी जाते हैं उधर किचन में। और आज जो है ना मैं दूध जो कर लेकर आया था, तो आप सबको बोला था कि मैं आज सरप्राइज दूंगा, तो वो सरप्राइज भी देते हैं आप सबको और अम्मी अबू को भी। ऐसे जैसे अबू एक गुड़ पड़ा है, आप थोड़ा सा गुड़ भी खा लिया करो उससे ना। नहीं खाते गुड़ यार, दांत जो नहीं होते ना, दांत नहीं होते तो वो गुड़ चूसना पड़ता है, उसको कहो ना मूंगफली थोड़ी आके खाना पड़ेगा। चूसते रहो, ऐसा ऐसा वो जो है ना अंदर जाएगी, वो छाती भी उससे साफ होती है। ये मुझे बहन भाइयों ने बताया कि अबू को ना गुड़ भी दिया करो, थोड़ा थोड़ा ऐसे चूसते रहे। दोस्त? हाँ जी, अबू जान का वो गोड़ जो है ना पुराना दोस्त है। अबू जान ने अपने दांत गवा लिए, गोड़ नहीं छोड़ा। लेकिन अब इस उम्र में आप दोस्ती तोड़ रहे हो गोड़ के साथ? टूट गया पे। टूट गई बच्चे। हाँ क्या बोल रही हो? क्या नहीं ना? हाँ इसको मैं ये चल रहा है, ठीक है मैं इसको लगा दूं, फिर मिलते हैं आप लोग। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। क्या है अब ये, क्या मजाक हो रही है? क्योंकि मजाक हो रही है। बाबा आज मैं रोटी बनाऊंगी। आप रोटी पकाओगी? नहीं आप सुबह के नाश्ता तक टाइम पकाया करो, अभी बहुत लेट हो रहा है। और अम्मी अबू देखा है कैसे कर रहे थे कि भूख लगी है उनको खाना। वो दे आई हो? अब्बू को तो नहीं दे आई? अब्बू को दे आई, खाना दे आई है। अभी मैं ये पानी गर्म कर लिया है, ये देने जा रही हूँ, और ये इसको बनाने दो। चलो बनाओ बेटा बनाओ। अरे वाह, अरे वाह, वाह अरे वाह, आप ऐसे काम करती हो फिर लोग हमें गालियां निकालते हैं, कहते हैं कि छोटी बच्ची से आप काम करवाते हो। लेकिन ये आप बताओ, हम आपको बोलते हैं काम का? नहीं, अपनी मर्जी से करती हो? जी। हाँ जी देखिए जी, अब जवेरिया जो है माशाल्लाह रोटी पका रही है, मेरी प्यारी बेटिया माशाल्लाह गोल गोल रोटी पका रही है।
वे मैं सदके थी माँ, वे मैं सदके थी माँ। हंसते क्यों हो? बेटे भी बना दिया है। ये मर्दों का काम नहीं होता, जगेरिया का काम वो होता, बेटी है ना वो सीखती है, आप बेटे हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और फिर मुझे वो चाहिए। तुझे कहती है ये झूठ भी बोलती है और जो मैं कहती हूँ वो भी नहीं करती काम। अच्छा चलो सही है, कोई बात नहीं, मेरी प्यारी बेटी है, इसको समझ है हर चीज की, आप लोग चाहे जो भी बोलो ये अच्छी है, आप सबसे अच्छी है, आप सबसे अच्छी है। और वही दीदा टप्पे मार रहा है, हाँ टिकड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह गोल गोल रोटी पका ली, अरे वाह देखो जवेरिया ने गोल गोल रोटी पका ली। और आज आज इसी खुशी में ना जवेरिया को मैं सरप्राइज दूंगा। ओए चुप हो जाओ, जवेरिया के लिए सरप्राइज है क्योंकि जवेरिया ना सब काम भी करती है और छोटी ननी मुनियों को भी संभालती है, उनके पैंपर चेंज करती है, उनको कपड़े पहनाती है, सब काम करती है। रात को दो दो बजे मैं हैरान होता हूँ, मुझसे भी नहीं उठा जाता, जब मैं सो जाऊँ कोई मैं मुझे उठाए रात के तीन बजे दो बजे कहे हाँ उठो ये काम करके दो, मुझे मौत पड़ जाती है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे नहीं जाना। लेकिन इसकी आफरीन है, इसकी हिम्मत है, रात के दो दो बजे अलिशबा इसके साथ होती है, सोती है, वो मांगती है दूध, दूध चाहिए मुझे, दूध चाहिए, रोने लग जाते हैं, लेकिन ये उस वक्त उठ पड़ती है, उसको दूध देती है, रात को बड़ी खिदमत करती है, जैसे आपा या मासियाँ होती है ना, ये उसी तरह हमारी मासी लगी हुई है। और इसको आज मैं सरप्राइज देने वाला हूँ, आपको क्या सरप्राइज दूँ पता है? नहीं पता ना, आज मैं आपके लिए स्पेशल खोया बनाऊंगा। हाँ वो जो बर्फी की तरह होता है खोया, जिसको आप बोलते हो खुहा, आज मैं आपको खुहा खिलाऊंगा, सही है? हाँ मुझे खुहा खिलाओ, मुझे खुहा खिलाओ, चलो आपको भी खुहा खिलाता हूँ। और इधर जो है ये रोटी इसकी पक रही है, जल्दी से खाना वाना का पकाओ। देखें कितनी गोल गोल रोटी बनाई है जवेरिया ने, हाँ बिल्कुल गोल रोटी, थोड़ी सी भी चेंज नहीं। ओ नहीं ओ नहीं 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 नहीं, आपका हाथ जल जाएगा, हाँ ठीक है, ये देखो आप छोटी सी है, ये भी जिद कर रही है, इसके साइज की हो जाओ फिर आप बनाना। हाँ अभी आप छोटी सी हो, ये जल्दी रूठ जाती है, मैं इसको छोटी सी बात बोलूँ ना ये रूठ जाती है, देखो फिर से रूठ गई। वो मेरी शहजादी, मेरी शहजादी। अच्छा शहजादी बात सुनो, आपको मैं ना आज आपको खुआ खिलाता हूँ, ठीक है? खुआ खिलाऊं? हाँ आप इधर देखो, आप मेरी बेटी हो, इधर आओ मेरे पास आओ, आज मैं आपको स्पेशल खुआ खिलाऊं। खाना है? खाना है तो बैठ, इसको क्या हो गया? इसकी तो आदत बन गई है, ये सब ड्रामे बाज पैदा किए हैं आपने, क्या खा के पैदा किया आज आपने? बातें ऐसी जो है ना वो व्लॉग बना रहे हैं, बातें ऐसी आप कर रहे हैं जो वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। अच्छा मतलब वो भी ड्रामे बाज बन गए हैं? हाँ जी। वाह भाई वाह, क्या बात है आप लोगों की। चलो मैं बताए क्या, मैं सबको दूंगा, उठाओ अयान उठो, आपके लिए भी स्पेशल, आपके लिए भी बनाऊंगा, उठो शाबाश मेरे बेटे, उठ जाओ उठो, आपके लिए भी सबके लिए, चलो ठीक है आप सबको देता हूँ, ठीक है? चारे बैठो इधर खाना खाओ, बैठो पहले, हाँ बैठो खाना खाओ, फिर आप लोगों को मैं मिठाई खिलाता हूँ। चलो जी इधर जो है इनको खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद आज वही जो मैंने आपको बोला है इसके सरप्राइज देना है इनको, बच्चों को तो सरप्राइज तो आपने बता दिया। हाँ सरप्राइज बस आपको क्या करूँ, जिद कर रहे थे तो इसलिए मैंने खुश करने के लिए बता दिया, लेकिन कोई नहीं, वो भी आज हमारे घर वो जो मैं खोया लेके आया था ना गजरेले के लिए, वो बचा हुआ है, मैंने कहा ऐसे खराब हो जाएगा, चलो दूध ले जाता हूँ, दूध ले आया हूँ, तो आज मैं हम ना वो खोया जो इसको बोलते हैं मिठाई वाला खोया, आज वो बनाएंगे, वो बना के ना इनको दूंगा, तो आपने साथ रहना कि मैं कैसे बनाता हूँ वो आप लोगों ने जरूर देखना है। और ये बेगम जो है अभी रोटियां पका रही है, रोटियां पका ले फिर इसने नाद भी सुनानी है, सही है? ओके हो गया, हाँ चलो ठीक है, आज मैंने वैसे भी मैंने भी थोड़ी सी नाद सुना दी है। माशाल्लाह फिर तो आपने सुना दी है, फिर मैं कल सुनाऊंगी? नहीं नहीं आपकी आपकी नाद सुनानी है बस। अच्छा वो देखे माशाल्लाह वो खा रहे हैं चारों मिलके, हाँ सही है, चलो ठीक हो गया। अब ये कौन खाएगा? ये जवेरिया खाएगी, खाओगी? मुझे मुझे अमीना की तरह, अमीना को बोलो ना जो वो सुबह को बनाती है टिकड़ियां, तो उसको बोलो ना ये, वो कहती है भाभी खाएगी। हाँ वो कहती है भाभी खाएगी, मैं नहीं खाऊंगी। चलो कोई नहीं, ये मैं खा लूंगा, मेरी प्यारी बेटी के हाथों से है, आज पहली बार इसने बनाया है, मेरी जवेरिया तो मैं खाऊंगा आज ये। माशाल्लाह ये देखे, वैसे भी रोटी इसको उठाए और देखे आपको गोल गोल जैसे नान पकता है ना वैसे पकी हुई है, बहुत प्यारी रोटी, तो मैं खाऊंगा ये। आप खा ले। तो
तो जी दोस्तों फैमिली जो है अब खाना वगैरह सबको खिला दिया है, सब ने खा लिया है, चाय वगैरह पक चुकी है और अब मेरी बारी है किचन में। तो मैं बना रहा हूँ खोया, जो सरप्राइज आप लोगों को बताया था अब बना रहा हूँ मैं। ये देखें दूध डाल दिया है, खोया भी डाल दिया है, अब इसको पकाता हूँ। और यहाँ पर ये देखें सब हैरान परेशान खड़े हुए हैं कि क्या बन रहा है हमारे यहाँ। तो आज स्पेशल खोया खिलाऊंगा इनको। क्या बन रहा है? खोया। परी क्या बन रहा है? खोया। एक मिनट, क्या बन रहा है? हाँ खोया। ये कौन सा स्टाइल है? खोया मटर। क्या बन रहा है? खोया मटर। अब ये भी वैसे बोलेगी। चलो जी इधर जो है ये देखें, ये गरम हो रहा है, बन रहा है, दूध जो है उबलने वाला है। इसके अंदर खोया वगैरह, चीनी वगैरह, दूध डाल दिया है। अब जैसे ही तैयार होता है फिर आप लोगों को भी शेयर करेंगे, दिखाएंगे। और दूसरा क्या कह रहा था, हाँ पिछली वीडियो पे बहुत सारे उन्हें कमेंट्स की हुई थी बहन भाइयों ने कि ये कौन सा रिश्ता था आप लोगों का, जो मैं बोलता हूँ मामा फौत हो गया है, वो बोलती है सलमा बोलती है चाचा फौत हो गया है। तो सिंपल रिश्ता है, आप सब परेशान हो, वो रिश्ता ऐसे है। देखो ना, मेरी अम्मी मेरे मामे की सगी बहन, मतलब मेरा इसका अब्बू और मेरी अम्मी सगे बहन भाई हैं। तो फिर वो मेरी अम्मी का वो भाई था, तो मेरी तरफ से तो वो मामू हुआ, और इनके अब्बू का भाई था तो इनकी तरफ से चाचू हुआ। साफ रिश्ता है, आप फिर भी परेशान थे आप लोग के ये कैसा रिश्ता, कोई मामा बोल रहा है कोई चाचा बोल रहा है। तो इसी हिसाब से मेरा मामू था क्योंकि मेरी अम्मी का भाई था, और इनका चाचा था तो इनके अब्बू का भाई था, इस हिसाब से चाचा और मामू। और दूसरा जो उस मेरे मामू की वाइफ है घर वाली, वो मेरे अब्बू की बहन है, तो वो मेरी फुफो है। ये ऐसे रिश्ते हैं, ये चीज़ें आप लोग को हम हर बार बताते हैं, आप लोग भूल जाते हैं या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी फुफा आज फुफिया बन जाती है, फुफा बन जाता है। वो रिश्ते जो हमारे एक जैसे जो हमारे खानदान में सब एक दूसरे के साथ करते हैं, तो इसलिए फिर वो रिश्ते जो है ना सस्पेंस में डाल देते हैं कि यार ये क्या बात हुई, ये क्या, कंफ्यूज बंदा हो जाता है कभी कुछ कभी कुछ। तो हर रिश्ता अगर बताते रहें तो फिर बहुत बहुत जंगाड़ लगा हुआ है, जुगाड़ लगे हुए हैं हमारे यहाँ। अभी जो है ये दूध ऊपर, जो आपस में रिश्ते होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, कभी मतलब किसी का मामा हो गया तो किसी का चाचा हो गया, किसी का फुफड़ हो गया तो किसी का ताया हो गया, इस तरह जो है ना आपस में जब रिश्ते होते हैं ना तो फिर रिश्ते इस तरह हो जाते हैं। जैसे कि मेरे अब्बू का भाई था, मेरा चाचू था, और जो मैं मतलब के अल्ताफ सेन का अम्मी का भाई था तो इसका मामू हो गया। हाँ, क्योंकि यही है ना, ये सलमा मेरे मामू की बेटी है तो मामू मेरी अम्मी का भाई हुआ ना। तो इसी हिसाब से रिश्ते हैं जो आप सब परेशान हो जाते हैं, ये रिश्ता कौन सा बता रहे हो आप, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो अभी जो है ये देखें दूध उबल रहा है, ये जैसे तैयार होता है, और ये देखो बासी दे रही है। मैं जा रही हूँ सोने। नहीं हाँ सोने कहाँ जा रही हूँ, परी रो रही है, मैं इसको जो है ना सुलाती हूँ। सही हो गया, चली जाऊँ या रुक जाऊँ? चली जाओ, आपने कौन सा इधर पहाड़ ढहाना है, जाओ चली जाओ। काम तो मैंने कर दिया है, चाय भी दे दी, अम्मी अबू को भी दे दी। हाँ। और बच्चे जो है ना वो आपका पोहा खाएंगे। हाँ। अभी अमीना रहती है, अमीना देखे आ गई है, मैं इसको चाय दे दूँ फिर मैं चली जाऊँ। हाँ, अमीना आई हुई है जी। चलो जी अब जो है हम खोया तैयार करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हमारा जो खोया है ना आखिरी मरहल पे पहुंच चुका है, ये देखें बस नजदीक है, ये देखें बस थोड़ा सा ना इसको और मजीद गर्म करता हूँ, छोटी इलायची डाल दी है, और इसको जो है दोबारा फिर से ना मैं इसको फिर उतार दूँगा। ठीक है, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका है इसको बनाते बनाते ऐसे तैयार कर रहा हूँ, ये तैयार हो जाए फिर खाते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे। बर्तन का तो मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये देखें एक तरफ से कहाँ से इस तरफ से, ये देखें जल गया है सारा। कढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं इधर से तो मैं फेरता रहा, उधर से मुझे पता ही नहीं चला। ये जो है तैयार हो जाए फिर खाएंगे, नज़दीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है।
इधर देखें जी माशाल्लाह से यहाँ पर जो है खोया हमारा रेडी है और सब जो है इधर बैठे हैं, बच्चे सब खुश हैं और ये फुस फुस कर रही है, पता नहीं क्या है इसको। और, थोड़ी बोलते हैं। हाँ कैसे बोलते हैं? हाँ जी ऐसे बोल, ऐसे कर रही है उफ, उफ, फुस फुस तो बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं? मेरे को ठंड लगी हुई है तो फिर जो है ना अभी क्या करना है, ये सबको अब देना है। ये जी मैंने तैयार कर दिया है, सिर्फ बांटना है इसका काम है। हाँ तो बांट रही हूँ ना। हाँ सबको बच्चे। हाँ जवेरिया अब खुश हो, अयान आप खुश हो, मिल गया जी। और आतिफ कहाँ है? आतिफ वो सो रहा है, वो नहीं खाता। माशाल्लाह जी नहीं खाता वो। चलो जी यहाँ पर जो है ये देखें, ये हमारा सरप्राइज है, ये देख ले। मैंने सरप्राइज क्या, बच्चों को खुशी करना था, मैंने कहा चलो आज खोआ खोआ वो खोया पड़ा था, मैंने कहा इनको बना के दे देते हैं। और इसको देखो और नींद आई, मर रहे थे कम पे बाख्या दे देते, मेरे को डर तो हो की थी पई आलस दी वही वही। चलो जी फिर ये वीडियो कर यहीं पर एंड करते हैं, नहीं तो इसने मोबाइल ही खा जाना है बैठे बैठे, बड़े बड़े उबासियाँ दे दे के। तो ये बच्चे जो है इनको खुश कर दिया, अम्मी अबू को देना है ठीक है। ये तीन है, तीन इनको दे दो, ये तीन जो है ये दे दो अम्मी अबू अमीना को, अमीना। और ये जो बच्चा है इसमें से आतिफ का, मेरा, आपका, अयान का, ओ सॉरी परी का, और कुछ भाई वालों को भी दे दो। ठीक हो गया तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे के तो हमें याद क्या हो गया है, देखने वाला भी बोलेंगे गोवा चेक करो इनका, जितना था अब बंदा क्या करे। देखें ये देखें जी, ये बचा हुआ है और एक एक चम्मच से ज्यादा है ऐसे कह रही है। और ये टेस्ट ही करना होता है, इसका राज होता है क्या, पेट भर के खाने हैं, खुद खाते हैं क्या? और ये जो है ना, ये तीन चार चार आठ, ये आठ बंदों का है। थोड़ा थोड़ा चखना ही है, मुंह मीठा करना है, ये राज थोड़ी करना होता है इसके साथ। चलो जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।